बोट कैप्चरिंग हुआ है बोल के वो लोग हम लोग को बदनाम दे रहे हैं, हम लोग को एलिगेशन दे रहे हैं कि बाहर से किसके निकाल दिया, जो रास्ता को ब्लॉकेज किया है, इतना बड़ा बड़ा ये लकड़ी 3-4 गिरा के रखा है रास्ता में। वो लोग अभी इलेक्शन हारने जा रहा है तो इसलिए ये सब झूठा हमें एलिगेशन लगा रहा है। मैं तायू जेरान जो उसने एलिगेशन दिया था, मैं इलेक्शन एजेंट बीजेपी ताती तुरुम्बा कंस्टिट्यूंसी का है और मेरा राइट में मिस्टर अपन हितन जनरल सेक्रेटरी मंडल यूनिट ताती तुरुम्बा एस टी असेंबली कंस्टिट्यूंसी, ये मेरा लेफ्ट में है मिस्टर हाबू ताली जो मोलम का जब इंसिडेंट हुआ था उसका पोलिंग एजेंट है, 2019 अप्रैल का पोलिंग एजेंट है। तो आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि उस दिन देखा था फ्रेस में बहुत हम लोग का हमारा केंद्रित का ऊपर में बहुत एलिगेशन लगाया है। तो एक्चुअली जो एलिगेशन जो लोग दिया था वो जहाँ तक मेरा जानकारी है वो बेसलेस एलिगेशन था, और जितना उन लोग एलिगेशन दिया था तो उसी के लिए अकॉर्डिंगली आर ओ तारती तुरुम्बा कंस्टिट्यूंसी का ऑर्डर से या एशियाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तहत जो एलिगेशन दिया था उसको रिफॉल हुआ है, 2024 को रिफॉल हुआ है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें सीमित होना चाहिए और पर्दार तो ऐसे खुश नहीं हुए हैं। और एक चीज़ है जैसे बात का बात है योसिंग का उसमें भी बोर्ड कैप्चरिंग का एलिगेशन दिया है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है योसिंग में भी ऐसे खुश नहीं हुए, जो एलिगेशन दिया है वो रॉन्ग है। तो एक चीज़ है फिर फैमिली का बारे में जैसे एक सोन है सॉफ्ट चीज़ को कंसीलिंग कर अंदर में छुपा के रखा है ऐसे कुछ एलिगेशन दिया था, 2-3 बीवी है बोल के। देखिए अरुणाचल में ये हम लोग अरुणाचल टोटली 100% ट्राइबल स्टेट है, सिर्फ हम लोग अरुणाचल में ही नहीं तो जहाँ जहाँ में ट्राइबल लोग है या ट्राइबल ने होने से भी बहुत फिल्म एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री का भी देखिए 2-2 बीवियाँ होता है, शादी होता है, वो तो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट आई फील इज दैट दैट इज़ टोटली पर्सनल चीज़ है। तो सिर्फ तालम तबो 2 बीवी शादी किया है 4 बीवी शादी किया ये बात नहीं, अब देखिए सारा अरुणाचल में नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश ये ट्राइबल स्टेट में ये होता है, पॉलीगेमी सिस्टम होता है। एक्चुअली जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था हम इलेक्शन एजेंट है लेकिन ऑन दैट वेरी डे आई वॉज नॉट एट देयर, हम उसमें नहीं था एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरा आँख से हम नहीं देखा था। तो उसका विषय में मैं मेरा जो हाबू ताली जो उससे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसमें जो आप देखा था उधर में रियली वो बोट कैप्चरिंग था ना क्या हुआ था, अब थोड़ा हाबू ताली पोलिंग एजेंट था उस दिन का, अब थोड़ा क्लियरिफाई कर दीजिए। वहाँ में मोलम 22 मोलम उसमें हम लोग को एक एनपीपी का एजेंट ने एलिगेशन दिया है बेसलेस एलिगेशन, इसको हम क्लियरिफिकेशन करने के लिए आया हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे मोलम में बोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है, बोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है ये हम थोड़ा टाइम लेंगे डिटेल्स बताएंगे क्यों नहीं हुआ है। आप लोग लॉजिकली सोच के देखिए पर्स बोट वोटिंग करते समय में 453 वोटर्स में 400 कास्ट किया है और सेकेंड में जो प्री पोल हुआ है उसमें 399 कास्ट हुआ है। तो सोच के देखिए वो लोग पर्स जो वोट कास्ट हुआ है उसमें एनपीपी का एजेंट लोग वॉक आउट किया है फिर भी वोट कैप्चरिंग हुआ है बोल के वो लोग हम लोग को बदनाम दे रहे हैं। अच्छा वहाँ पे वोट कैप्चरिंग होने से 453 में इतना
453 ही वोट मारना था, वो आप लोग लॉजिकली लगा के देखिए। और एनपीपी एजेंट ने ये बात कर रहा है कि हम लोग को हमारा वहाँ का ये मोलम बस्ती को इतना बदनाम कर रहा है कि मोलम बस्ती जो आप लोग भी सुनता होगा, इतना छोटा से गांव है, फिर भी आज तक तो जितना 32 में लीडर्स है और वहाँ से निकलता है और एक मोलम जो डिसिप्लिन वाला बस्ती है 32 में गिना जाता है उसमें। तो इलेक्शन एजेंट हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है कि मेरा हिसाब से इलेक्शन एजेंट जो जब मोलम देने में आते समय में वो एक लीडर की तरह जो चीफ गेस्ट आ रहा है ऐसे टाइप का सबको हाई हेलो करके ऐसे करके वो हमें मजाक कर रहा है जैसे कर रहा था। तो मेरा हिसाब से वो एक इलेक्शन एजेंट है, एक जानकारी आदमी है, वो ऐसे करना चाहिए कि इनविजिलेटर का तरह आना चाहिए। लेकिन ऐसे होने के बाद ये हम लोग को एलिगेशन दे रहा है कि बाहर से किसके निकाल दिया, ऐसे कर दिया, अपना जगह में इतना सीनियर सिटीजन को कैसे ऐसे किसके निकालेगा, आप लोग भी लॉजिकली लगा के देखिए। और मोलम में पुलिस फोर्स नहीं था, ऐसे बात नहीं है, पुलिस फोर्स तो डिप्लॉय करके रखा था फर्स्ट वोटिंग में भी, तो ऐसे कैसे करने देगा। उसके बाद जब मोलम में स्मूथली हो रहा था, स्मूथली हम लोग वोटिंग हो रहा था, होते समय में इलेक्शन एजेंट आने के बाद मोलम में क्या हुआ है, कुछ 30 मिनट ऐसे, एक घंटा ऐसे होने के बाद इलेक्शन एजेंट, ये एनपीपी इलेक्शन एजेंट आने के बाद क्या हुआ है, जो हम लोग का वहाँ का पोलिंग एजेंट लोग एक एक करके फोन में बात करके वॉक आउट हो गया। तो हम लोग तो मालूम नहीं था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग मालूम नहीं हो रहा था। तब भी हम लोग वोटिंग जो कंटिन्यू हो रहा था, तो बाद में देखा जाए तो रास्ता में जो हमारा मोलम रास्ता, जो रास्ता को ब्लॉकेज किया है, इतना बड़ा बड़ा ये लकड़ी 3-4 टू गिरा के रखा है रास्ता में। तो इसलिए हम ये 32 और अरुणाचल के वासियों को हम यही बोलते हैं कि और आप लोग जानिए, मीन्स ऐसे झूठ मूठ का रॉन्ग एलिगेशन बेसलेस ये सबको विश्वास नहीं होना है, क्योंकि मोलम में ऐसे नहीं हुआ है, हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है वो लोग। जब एनपीपी एजेंट आने का बात थी ये सब हुआ है, अच्छा क्यों वो लोग पेड़ काट के गिराया है। माय नेम इज अपो नितन, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी मंडल 32 रुमगोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला आरोप उसने लगाया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन काउंसिल रोड नेटवर्क 5.50 किलोमीटर अंदर CRF, उसने कहा कि उसमें कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट एक्टिविटी को हमारा तालम तापो साहब ने रुका के रखा, होल्ड करके रखा, स्टॉप करके रखा, ये सरासर झूठ है। यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, काम अभी शुरू हो गया, काम चल रहा है, वहाँ में कमेटी भी बनाया, गठन किया गया है, काम चल रहा है। और मैं हमारे NPP श्री कर्मूर जरंग, हमारा 32 लाइन के अच्छा एक ये है सीनियर लीडर है, वो भी एक सीनियर सिटीजनशिप है, वो हमें यही एलिगेशन लगाता है कि कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये गलत बात है। तो काम उसने काम हमारा ये इसने कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन टाउनशिप रोड नेटवर्क अंदर CRCF काम किया, ये सब ये है सबूत है इसका, आप लोग को बाद में दिया जाएगा, आप लोग उसको ले लीजिएगा। उसके बाद फिर एक उसका आरोप है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम रुमगोंग ADC टू कनेक्ट काइंग ESC यानी कि मोलम टू बोगनन विलेज 23 किलोमीटर इन सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत है, ये भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ दिया है, ये भी काम अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी गाड़ी क्या क्या कुछ कुछ सामान वामान वहाँ में पहुँचाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छा ये है सीनियर सिटीजन है, हम भी उसे रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है, क्योंकि ये सब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि वो लोग अभी इलेक्शन हारने जा रहा है, तो इसलिए ये सब झूठा हमें एलिगेशन लगा रहा है कि वो लोग ऐसे करता है, लेकिन ये सब टोटली झूठा है। इलेक्शन ने भी आप लोग रिजल्ट को भी देख लीजिए, रिजल्ट को भी हम लोग का तालम तापो साहब जरूर जीत के निकलेंगे, तो वो लोग हार रहा है, इसलिए ये सब बात को वो लोग इलेक्शन लगा रहा है। थैंक यू।